वेलकम टू अनदर ब्लॉग ऑफ ट्रैवलर्स डायरी। ये पूरी ब्लॉग का आखिरी एपिसोड है। आज हम जाएंगे नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क घूमने के लिए। हमारा होटल नॉरेन पैलेस से नंदनकानन का डिस्टेंस लगभग 80 किलोमीटर है, तो चलिए जल्दी से जाते हैं नंदनकानन की ओर। टिकट काउंटर से टिकट लेकर अभी जा रहे हैं इसके अंदर। आपके सुविधा के लिए टिकट चार्ट स्क्रीन पर है। अंदर घूमने के लिए आप लोगों के पास दो ऑप्शन है, या तो आप पैदल घूम सकते हैं, नहीं तो आप ई व्हीकल से भी घूम सकते हैं। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था क्योंकि हमको वापस हरवी आना था, तो हम पर पर्सन 80 रुपीस करके ई व्हीकल से ही घूमे थे। नंदनकानन सिर्फ एक चिड़ियाघर नहीं, ये एक बोटानिकल गार्डन भी है। 4.006 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट जू है। सालाना यहाँ पर अप्रॉक्स 3 मिलियन विजिटर्स घूमने के लिए आते हैं। ये भारत का पहला ऐसा जू है जिसको 2009 में वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम्स का मेंबरशिप मिला है। या आप चाहे तो सालाना 500 से लेके 1 लाख रुपया देकर एक छोटे चिड़िया से लेकर टाइगर भी अडॉप्ट कर सकते हैं। चलिए अभी घूम के देखते हैं रेप्टाइल पार्क। रेप्टाइल पार्क के अंदर आपको देखने के लिए इंडियन रॉक पाइथन, कॉमन क्रेट से लेकर येलो एनाकोंडा, मॉन्स्टर लिजर्ड सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो आइए हम लोगों के साथ एंजॉय कीजिए रेप्टाइल पार्क के अंदर का नज़ारा। व्हाइट टाइगर सफारी, लायन सफारी, बटरफ्लाई पार्क यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। सफारी करने के लिए आपको 60 रुपीज पर पर्सन के हिसाब से बस सर्विस अंदर से ही मिल जाएगा। इसके अलावा आपको क्रोकोडाइल, राइनो, एलिफेंट, पाइथन, स्पॉटेड डियर जैसा बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा।
एक बात आप लोगों को ध्यान में रखना है कि नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क एक प्लास्टिक फ्री जोन है, इसलिए आपके साथ जो भी प्लास्टिक का चीज, मान के चलिए कि वाटर बॉटल जो भी आपके पास है, वो सब पहले ही आपको 50 रुपये दे के एक काउंटर पे जमा करके अंदर आना है, जो बाद में आपको रिफंड मिल जाए। नेक्स्ट टाइम आप जब भी पूरी घूमने के लिए आ रहे हैं, जरूर नंदनकानन को आपके विजिटिंग प्लेसेस के लिस्ट में शामिल कीजिए और घूम के जाइए नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए ट्रैवलर्स डायरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, आप लोगों के साथ फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ।